नमस्कार, मैं हूं शिवम। आप देख रहे हैं पीपल वर्सेस पॉलिटिक्स। आप सभी का बहुत स्वागत है मेरे इस खास कार्यक्रम में। आज मैं बात करूंगा गुजरात की। गुजरात का जब भी जिक्र होता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम दिमाग में आता है, गुजरात मॉडल का नाम ध्यान में आता है। ये कहा जाता है कि ऐसा विकास मॉडल जिसकी बदौलत बीजेपी सत्ता में आ गई, केंद्र में। लेकिन मैं आज इस मॉडल की वो सच्चाई आपको बताने जा रहा हूँ, वो सच बताने जा रहा हूँ जो आपको चौंकाएगा। इसकी आलोचना हालांकि खूब होती है, लोग अलग अलग तरीके से इसको क्रिटिसाइज करते हैं, लेकिन अभी हाल के जो आंकड़े हैं वो हैरान करने वाले हैं। मोदी के इस मॉडल की पोल खोल कर रख देगा ये कार्यक्रम। 7 जून से 15 जून के बीच की बात है जब गुजराती गांव लुड़वाई के वासिंदों ने ये दावा किया कि 5 बच्चों की मौत हो गई। मौत का कारण क्या था ये मैं आपको बताऊंगा। गांव के मुखिया का ये दावा था कि इनमें से जो सबसे बड़ा बच्चा था उसकी जो उम्र थी वो 15 महीने की थी, सिर्फ 15 महीने की। मुखिया ने तो यहां तक आरोप लगाया कि इस बारे में उसने तालुक और जिला स्तर को बताया था, शिकायत की थी, लेकिन उसकी सुनवाई नहीं हुई, किसी ने ध्यान नहीं दिया, कोई सुनने वाला नहीं था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्यारे गुजरात में। गांव के मुखिया ये बताते हैं कि सरकार के सक्रिय नहीं होने के चलते एक गैर सरकारी संगठन की मदद से एक मेडिकल कैंप लगवाया गया गांव में, और तब ये पता चला कि इस गांव में करीब करीब 39 बच्चे कुपोषित हैं। जब मुखिया की ये बात प्रशासन के कानों तक पहुंची तो वो नाराज हो गए, बोले कि आरोप झूठे हैं, ऐसे आरोप कौन लगाता है, केवल 2 शिशुओं की मौत हुई है कुपोषण की वजह से। बात खारिज हो गई, लेकिन सच्चाई इससे काफी अलग है। सच्चाई क्या है ये मैं आपको बताऊंगा, जरा गौर से सुनिए। 2023 में भारत को अक्सर उभरती हुई महाशक्ति बताया जाता है, और प्रधानमंत्री का हाल का भाषण अगर आप सुने तो वो कहते हैं कि 3री बार जिताइए और भारत दुनिया की 3री बड़ी अर्थव्यवस्था हो जाएगा, 3री बड़ी अर्थव्यवस्था। लेकिन सच्चाई ये है कि जिस गुजरात मॉडल को बेचा जा रहा है या बेचा गया, वहां हालात कितने खराब हैं ये मैंने आपको एक शुरू में बानगी की थी। और भारत चंद्रमा पर उतरने वाला चौथा देश होगा अगर ये सफल हुआ। फिर भी इन उपलब्धियों के साथ साथ ये तथ्य भी मौजूद है कि लुड़वई गांव के निवासी राज्य सरकार के साथ इस बात पर बहस कर रहे हैं, इस बात पर बहस करने में लगे हुए हैं कि क्या कुपोषण की वजह से 5 या 2 शिशुओं की मृत्यु हुई। है ना हास्यास्पद। कुछ दशक पहले भारत को वास्तव में भोजन की कमी का सामना करना पड़ रहा था, भुखमरी थी, हालांकि अब तो ऐसा कुछ भी नहीं है, हालात सामान्य हैं, देश में पर्याप्त भोजन उपलब्ध है, पर्याप्त, और कुछ चीजों का प्रमुख निर्यातक भी है भारत। ये दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है नंबर्स में, 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। फिर भी विरोधाभासी रूप से ये कुपोषण जैसी बुनियादी समस्या का समाधान नहीं कर सकता, ये सवाल है। और गुजरात क्यों, ये बड़ा सवाल है। भारत में कुपोषण की समस्या कितनी विचित्र है इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि यहाँ के नागरिकों की हालत अपने से कई गरीब देशों से भी बदतर है। ये हैरान करने वाली बात है। उदाहरण के लिए आप देखें, 2022 के ग्लोबल हंगर इंडेक्स के हिसाब से भारत 121वें देशों से 107वें स्थान पर है। न केवल श्रीलंका जो 64वें नंबर पर है, नेपाल 81वें नंबर पर है, बांग्लादेश 84वें नंबर पर है, ये भारत से आगे हैं, भारत इनसे पीछे। उल्लेखनीय ये है कि सूचकांक में ये पाया गया कि गरीब होने के बावजूद पाकिस्तानी भी भारतीयों की तुलना में ज्यादा खाद्य सुरक्षित हैं, पाकिस्तानी। ये विरोधाभास भारतीय संघ में भी देखा जा सकता है। उदाहरण के लिए आप गुजरात को ध्यान से देखिए। गुजरात जहां ये मौतें हुई, भारत के सबसे समृद्ध औद्योगिक राज्य में से एक है। एक वेबसाइट है स्क्रॉल, उसने 2021 में एक रिपोर्ट की थी और उसने ये बताया था कि पश्चिम बंगाल एक ऐसा राज्य है जो आजादी के बाद से औद्योगिक गिरावट से जूझ रहा है। यहां औद्योगिक गिरावट हुई, किसी तरह औद्योगिक रूप से जीवंत गुजरात की तुलना अगर उससे की जाए तो पश्चिम बंगाल में ज्यादा स्वस्थ बच्चे हैं। केंद्र सरकार का थिंक टैंक नीति आयोग एक रिपोर्ट जारी करता है, यह हालिया रिपोर्ट है, इसका भी आंकड़े देख लीजिए आप, यह भी विरोधाभास पैदा करती है। और यह विरोधाभास इससे निकल कर आता है, पश्चिम बंगाल में न केवल कुपोषित नागरिकों का अनुपात काफी कम है
बल्कि ये गुजरात की तुलना में ज्यादा तेज गति से अपनी संख्या कम करने में भी कामयाब हुआ है, जो कुपोषित बच्चे हैं उनकी। जो स्वतंत्र मीडिया है उसको आपकी ज़रूरत है। और इन दो बिंदुओं की एक व्याख्या ये भी हो सकती है कि औद्योगिक विकास कोई मायने नहीं रखता, इस पर बहुत बारीक बात न करना बेवकूफ़ी होगी, मूर्खतापूर्ण हरकत होगी। पहले पश्चिम बंगाल की सीमा से लगे बांग्लादेश ने मानव विकास के मामले में काफ़ी तरक्की की और अपने आप को काफ़ी बेहतर किया, काफ़ी बेहतर प्रदर्शन किया, जिससे कपड़ा उद्योग में इसके मजबूत औद्योगिक विकास से काफ़ी इसको मदद मिली बांग्लादेश को। इसी तरह तमिलनाडु की अगर हम बात करें तो तमिलनाडु औद्योगिक विकास और मानव विकास को संयोजित करने में कामयाब रहा है। यहाँ दोनों ही चीज़ें इक्वल हैं। इसका वास्तविक निष्कर्ष ये है कि औद्योगिक विकास मानव विकास के लिए एक ज़रूरी शर्त है, लेकिन ये पर्याप्त नहीं है। गुजरात जैसा स्टेट, गुजरात जैसी राजनीति में वास्तव में एक के बिना दूसरे का होना संभव है। एक तरह से मानव विकास पर गुजरात का खराब रिकॉर्ड कई सवाल खड़े करता है और अर्थशास्त्री जिसमें अमृत सेन और जगदीश भगवती के बीच इसको लेकर एक बहस भी हो गई थी, ये काफ़ी पॉपुलर भी हुई थी, इन्होंने कहा था कि जो संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार है उसके दूसरे कार्यकाल के अंत में ये बहस हुई थी और इसमें भगवती ने ये तर्क दिया था कि आर्थिक विकास अपने आप में जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए पर्याप्त होगा, ये उनका तर्क था। दूसरी ओर अमृत सेन ने कहा था कि भारतीयों के वास्तविक जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए विशिष्ट कल्याणकारी नीतियों की जरूरत है, आर्थिक विकास तो चलता रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब रेवड़ी कल्चर के खिलाफ दिखाई देते हैं, भाषण देते हैं, ये संकेत देता है कि वो हैंडआउट हैं। हालांकि डेटा से ये पता चलता है कि भारत वास्तव में तुलनीय धन वाले देशों की तुलना में कल्याण पर कम खर्च कर रहा है, ऐसा नहीं है कि वो बहुत लुटा रहा है। इससे भी ज़्यादा चिंताजनक तथ्य ये है जिस पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, पिछले एक दशक में भारत की आर्थिक वृद्धि काफ़ी स्लो रही है, काफ़ी धीमी हुई है, और जिसका अर्थ यह है कि 1980 के दशक के बाद विकास में तेजी के साथ भारतीय राज्य ने संसाधनों में जो उल्लेखनीय बढ़ोतरी की, उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई, वो भविष्य में संभवतः दोहराई नहीं जाएगी। इसकी आशा की किरण ये है कि कल्याणकारी जो योजनाएं होती हैं वो भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था में अब गहराई से दाखिल हो गई हैं, गहराई से घुस गई हैं। ज़्यादातर भारतीय इस तथ्य को जानते हैं कि राज्य को उनकी मांगों को सुनने के लिए मजबूर करने के लिए उनके वोट एक महत्वपूर्ण उपकरण हो सकते हैं। दरअसल वो ये जानते हैं कि ये अक्सर उनके पास एकमात्र उपकरण होता है जिससे कि वो सरकारों को विवश कर सकते हैं। ये वो लामबंदी है जिसके परिणाम स्वरूप भारत में वर्तमान में सीमित कल्याणकारी योजनाएं आई हैं, लेकिन निश्चित रूप से भारत के बच्चे अभी भी कुपोषण से मर रहे हैं, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। इसका मतलब यह है कि राज्य को और भी कुछ करना होगा, और भी योजनाएं लानी होंगी। जो वो कर रहा है वो सिर्फ दिखावा है और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। मोदी जी को ये समझना होगा कि सिर्फ जुमलों से काम नहीं चलता, इसके आगे जाने की ज़रूरत है। विकास की सच्चाई दूसरी होती है, जुमले दूसरे होते हैं। आप सभी का बहुत शुक्रिया ये कार्यक्रम देखने के लिए। ज़रूर कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा लगा। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मुझे दीजिए इजाज़त।